तो गाइस हम लोग फाइनली अयोध्या उतर चुके हैं। आप देखो हावड़ा स्टेशन कितना बड़ा है, लोग वेट कर रहे हैं। कितना आप अयोध्या जाना चाहते हो तो दो ट्रेन आपको मिलेंगी। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ पे देखता हूँ बनारस का ट्रिप कर सकता हूँ कि नहीं। बहुत तेज भूख लग रही थी। कितना का भी है? 20 का तीन। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं एक और वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। फिर से एक नई जर्नी के साथ, और इस बार जो जर्नी होने वाली है, इस बार मैं जा रहा हूँ अयोध्या। जी हाँ, आपने सही सुना है, अयोध्या नगरी दीपोत्सव के मेन पर पे हम लोग कल पहुँचेंगे। आज हमारी ट्रेन है और आज का डेट है 1 नवंबर 2021। तो कल हमें 5:30 बजे ट्रेन उतार देगी अयोध्या स्टेशन पर, और हम लोग ठीक हावड़ा स्टेशन पर आ चुके हैं और हमारी ट्रेन लग चुकी है। 10 मिनट लेट हूँ। सो गाइस अभी बस ट्रेन के पास जा रहे हैं। 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी देहरादून ट्रेन रुकी हुई है। आप देखो हावड़ा स्टेशन कितना बड़ा है, लोग वेट कर रहे हैं। कितना क्राउड है यहाँ पे, पैसेंजर कितना है। बच रही हमारी ट्रेन खड़ी हुई है देहरादून 03009। आपको मैं बता दूँ कि अगर आप अयोध्या जाना चाहते हो तो दो ट्रेन आपको मिलेंगी, एक जम्मू तवी और एक देहरादून। देहरादून रात की ट्रेन है, और जो क्या बोलते हैं जम्मू तवी ट्रेन है वो आपकी सुबह 11:45 पे खुलती है, और देहरादून 8:25 पे। तो हम लोगों ने देहरादून पकड़ा था। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ पे मेरा दोस्त भी बैठ चुका है। हम लोगों का जो सीट है 1 और 2 है। 2 तो फिलहाल इस साइड में, हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। हम लोग को विंडो सीट वाला साइड मिला था, क्योंकि मैंने जब ट्रेन बुक किया था ना तो विंडो सीट वाला मैंने चूज किया था, तो विंडो सीट वाला ही मिला। गाइस हमारी ट्रेन चल पड़ी है, हावड़ा स्टेशन से निकल चुकी है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने ट्रेन के डायरेक्ट इंजन के पास आ गया हूं, क्योंकि मेरी जो बोगी है यानी मेरा जो डब्बा है वो इंजन से ठीक सटी हुई है। और रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैं गया जंक्शन पहुंच चुका हूं, और तकरीबन 12 घंटे का सफ़र बचा हुआ है। तो गाइस अब ट्रेन बस चालू होने वाली है, तो अब हम लोग अपने डब्बे में जा रहे हैं। काफ़ी देर से हम लोग उतरे नहीं थे तो सोचा गया में ही उतरते हैं। पे सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, चाय भाई सब बेच रहे हैं गरम गरम चाय, और सभी लोग उतर के चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं जिनको जो करना है। और वहाँ मेरा दोस्त ब्लॉग बना रहा है, विनय ठाकुर ब्लॉग्स। हे गाइस कैसे हो आप लोग। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग मुगलसराय स्टेशन उतर चुके हैं मतलब ऐसे ही घूमने टहलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग आधा घंटा ट्रेन रुकती है। और सुबह उठ गया था लगभग 8 बजे, मैं उतर गया था, यहाँ पे अनाउंस हो रहा है, और हम लोगों की ट्रेन अभी आधे घंटे तक यहाँ पर रुकेगी क्योंकि इंजन अलग होती है। तो फिलहाल मुगलसराय उतरा हूँ और मेरे हाथ में चार्जर, क्योंकि मेरा मोबाइल अब स्विच ऑफ होने वाला है, 10% चार्ज है और मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, इसीलिए मैं तुरंत अभी कहीं पर चार्ज लगाऊँगा तो तुरंत 60% 70% हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर चार्जिंग लगाने को दिया जाता है। गाइज एक्चुअली क्या हुआ कि इंजन अब अलग हो गया हम लोग के डब्बे से, देख सकते हैं यहाँ पे डब्बा है और वो इंजन जा रहा है, अब दूसरा इंजन लगेगा हम लोगों का। गाइज फाइनली हम लोगों की ट्रेन की इंजन लग चुकी है, जो कि अभी जस्ट लगी है, और ट्रेन बस 10 मिनट में निकलने वाला है। सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन का इंजन कैसे लग रहा है। तो अब निकलेंगे गाइज यहाँ से। अब चार्ज तो हो नहीं पाया क्योंकि मुझे चार्जिंग पॉइंट मिला नहीं, और मिला भी सब टाइम चार्ज करने का। तो ये रही हमारी ट्रेन, इस बार 2 इंजन लगी हुई है और ट्रेन हमारी खड़ी हुई है, और ये है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगलसराय के नाम से जाना जाता था। सो गाइस हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं बनारस नगरी जो कि अभी से ही कितनी खूबसूरत लग रही है देखने। सो गाइस देवों की नगरी बनारस में आपका स्वागत है। बनारस में हम लोग पहुंच चुके हैं और ट्रेन हमारी बनारसी स्टेशन पर रुकने वाली है। तो फिलहाल यहां का तो ट्रिप होगा नहीं क्योंकि हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, तो बनारस का मैं बस स्टेशन का व्यू आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन है। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 1 और अब हम लोग खड़े हुए हैं एक ऐसे स्टेशन पे जहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है। जी हाँ, देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कोई स्टेशन नहीं है। कोई एक्सप्रेस आ रही है, कोई सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है, इसलिए हमारा ट्रेन आधे घंटे से रुका हुआ है। तो हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है,
यहाँ तक कि हमने ब्रश भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। सोचा था अयोध्या उतर के जल्दी से 2 बजे तक उतर के कुछ खाएंगे वहाँ पे फ्रेश होकर, लेकिन अभी लग रहा है मेरे को जहाँ तक कि मैं और मेरा दोस्त 3 बज जाएगा। क्या होता है अभी हम लोग सोच रहे थे कि कोई दूसरा स्टेशन पे ट्रेन रुके, हाँ, जहाँ पे कुछ खाने को पानी को मिले, बट ट्रेन ऐसे जगह पे खड़े हो गया है जहाँ पे ना स्टेशन, हाँ, है देख सकते और ना यहाँ कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि अयोध्या दिखा रहा था 1:50 बट अभी दिखा रही है 2:20। तो नहीं लगता कि वो टाइम, तो गाइस लगभग 3 बज जाएगा इतना समझ, 3 तो मैं सोच रहा हूँ, अब क्या पता लेट भी हो सकता है। जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है ना उस हिसाब से पहुँचाने वाली नहीं है 150 पे। बस कुछ खाने को मिल जाए फिर वो जितने बजे पहुँचाए मतलब नहीं है। पानी भी नहीं है हमारे पास और ट्रेन का पानी तो आपको पता ही है कैसा होता है। बहुत तेज भूख लग रही थी, कितना का भी है ये? 20 का 3। हाँ बच गया, एक सिंघाड़ा बर्बाद होने से बच गया। तो गाइस सिंघाड़ा ले लिया हूँ 3 ठो 20 रुपए, दोस्त खरीद रहा है सिंघाड़ा, बहुत तेज भूख लग रहा था इसलिए ले रहा था। रुको पकड़ो। हमारी ट्रेन जा रही है, सो गाइज हम लोग फाइनली अयोध्या उतर चुके हैं अयोध्या स्टेशन, और ये हमारी ट्रेन ठीक पीछे जा रही है स्टेशन छोड़ के। तो फाइनली हम लोग अयोध्या उतर चुके हैं और यहाँ से हमारी अयोध्या की जर्नी शुरू होने वाली है। तो आई होप कि राम भगवान का कृपा है और यह जर्नी बहुत ही मज़ेदार हो। इतने सारे बंदर यहाँ पे कि मुझे डर लग रहा है कहीं बंदर मोबाइल ना छीन ले। अयोध्या की जो देख सकते हैं कितने सारे बंदर है, और यहां से की यहां देखो आप जाती है। तो यहां देखो बने रहिएगा, देख सकते हो कितने सारे बंदर हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाप रे बाप इतने सारे बंदर यहां पे, बहुत सारे अयोध्या की ब्लॉग दिखाऊंगा। बहुत डर, बाप रे बाप चलना पड़ रहा है। अयोध्या नगरी है जहां पे आपको बंदर देखना लाजमी है, वो भी बहुत ज्यादा। पता है क्या हुआ, जब हम लोग ट्रेन से उतरे ना तो इतने सारे बंदर थे कि मैं देख के शॉक हो गया कि इतने सारे बंदर है। बाई चांस अगर मोबाइल, क्योंकि ये लोग छीनते भी हैं कुछ, आपके हाथों में देखेंगे तो छीनने लगते हैं तो डर लगता है। तो मेरे ठीक सामने यहाँ पटरी पे बहुत सारे बंदर हैं, देखते हैं कोई वही जो राम रची राखा वाला आपने सुना ही होगा वो लाइन, तो वही होगा जो राम भगवान चाहेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टेशन के बाहर जाएंगे और वहाँ से हम लोग कुछ सवारी पकड़ के फिर जहाँ पे ठहरना है हम लोगों को वहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इस ब्लॉग में मैं कोलकाता से अयोध्या का सफ़र मैंने दिखाया था, तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में जिसमें मैं अयोध्या नगरी के उन सब जगहों को दिखाऊंगा जो फेमस है, रामगढ़ी, फिर बहुत सारी जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो गाइस ये कोई आम स्टेशन नहीं बल्कि हमारे राम भगवान का घर अयोध्या है। जी हाँ, ये अयोध्या स्टेशन है और यहाँ से रामलला के दर्शन की शुरुआत होती है हर भक्त की, जो कि कुछ ऐसा दिखता है हमारा अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत। और सामने ही आपको रामलला का फोटो देखने को मिलेगा जो कि बहुत